बसमल्लाहमान रहीम शुरू अल्लाह की पाक जात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और सबकामोज वाकया लेकर आया हूं जिसका उनवान है मलका की रहम दिली मलका खुरान तीसरे अब्बासी खलीफा मादे की चहती बीवी थी और वो बहुत दानिशमंद और नेक तबाह और मुख्यर खातून थी अपने औसाफ हमीदा की बदौलत अपने शहर के मिजाज पर पूरी तरह हावी थी इसकी सिफारिश पर खलीफा मेहदी ने बनो अमैया के बहुत से मातूब अमीरों की जागीरें वापस कर दी थी और गरीब मोहताजों और जरूरतमंद की दिल खोल कर मदद करती थी इसीलिए वो अवामनास में बेहद हारदिल अजीज थी और इसका नाम एहतराम से लिया जाता था मलका खुरवान की जिंदगी का एक दिलचस्प वाकया जिसे मौर्कन ने भी बयान किया है कि एक दिन मलका खुरान महल में बैठी हुई थी एक लॉन्डी ने आकर अर्ज किया मालका आलम महल के दरवाजे पर एक निहायत शिकस्तहाल हाल गरीब औरत खड़ी है और आपकी खिदमत में हाजिर होकर कुछ अर्ज करना चाहती है मलका ने कहा कि इस औरत का हसब नसब दरियात करो और उससे ये भी मालूम करो कि उसे किस चीज की जरूरत है लॉन्डी ने बाहर आकर उस औरत से पूछा लेकिन उसने अपने नसब और खानदान का न पता दिया मलका को उस औरत का जवाब सुनाया तो वो बहुत हैरान हुई बुलाओ से देखे तो सही कि वो चाहती क्या है चुनाचे मलका ने लॉन्डियो को हुक्म दिया कि उस औरत को अंदर ले आओ थोड़ी देर में मलका के सामने फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक इंतहाई शिकस्त हाल औरत खड़ी थी पहले तो मलका का करोफर देख कर ठटकी मगर फिर फौरन हैरत करके मलका को सलाम किया और कहने लगी ए मलका मैं मरवान बिन मोहम्मद की बेटी मुस्ना जो खानदान अबू उमैया का आखिरी ताजदार था जो ही इस औरत के मुंह से ये अल्फाज निकले मलका खुरबान का चेहरा सुर्ख हो गया और उसने कड़क कर कहा क्या तुम नहीं जानते कि उसके अहले खानदान ने अब्बासियों पर कैसे खौफनाक मजालिम किए ऐ संगदिल क्या तुम वो दिन भूल गई हो जिस दिन बनु अब्बास की बूढ़ी औरतें तुम्हारे पास इल्तजा लेकर आई थीं कि तू अपने बाप से सिफारिश कर दे यानी माजी के चचा इमाम मोहम्मद बिन इब्राहिम अब्बासी के लाश दफन करने की इजाजत दे बदबख्त औरत खुदा तुझे गारत करे तूने मजलूम खातिन पर तर्स खाने के बजाय उन्हें जलील करके महल से निकलवा दिया मुजरिम मलका की बातें सुनकर बिल्कुल मरवत न हुई बल्कि जोर का कैकहा लगाया और बोली बहन अपने आपे से बाहर न हो और जो कुछ मैंने किया खुदा से उसकी सजा पा ली खुदा की कसम जो तुमने कहा सच कहा इसमें खुदा ने मुझे जलीलो ख्वार करके तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है क्या तुम्हें मालूम नहीं कि किसी वक्त मैं तुमसे ज्यादा शोक और शरीर थी दौलत और हशमत मेरे घर की लौंडी थी मुझे अपने हौसन पर नाज था और तकबर ने मुझे अंधा कर रखा था अगर तुमने देखा कि जल्द ही जमाने ने अपना जौक उलट दिया खुदा ने अपनी तमाम नेमतें मुझसे छीन ली अब मैं एक फकीर से भी बदतर हूं क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ भी यही कुछ हो अच्छा खुश रहो मैं जाती हूं इतना कहकर उसने तेजी से बाहर का रुख किया लेकिन जंग कदम न जाने पाई थी कि खिजरा ने दौड़कर उसको पकड़ लिया और चाहा कि उसे गले लगा ले। लेकिन मसना ने पीछे हटकर कहा खजरान तो मलका है और गरीब और बेकस औरत के कपड़े इस काबिल नहीं कि एक मलका उससे गले मिले आप दीदा होकर लॉन्डियो को दिया कि मसना को नहला धुलाकर आला दर्जे की पोशाक पहना दो और फिर इसे इत्र में बसाकर मेरे पास ले आओ लॉन्डियो ने मलका के हुक्म की तामील की उस वक्त मसना को देखकर कर ये मालूम होता था कि चांद बदली से निकल आया है मलका बेख्तियार होकर उससे लिपट गई शाम को खलीफा महदी हरम में आया और दिन भर के हालात पूछने लगा मलका खजरान ने उसे आज का वाकया तफसील से बताना शुरू कर दिया जब उसने बताया कि उसने मसना को इस तरह झड़का और वो कैकहा लगाकर शान बेनियाजी के साथ वापस चल पड़ी तो खलीफा फरहत से बेताब हो गया और उसने मलका की बात काट कर कहा खजरान तुम पर हजार अफसोस रहे कि खुदा ने तुम्हें जो नेमत अता की तुमने उनका शुक्र अदा करने का एक मौका खो दिया तुम्हारी ये हरकत एक मलका के शायन शान नहीं थी खुजरान ने कहा मेरी पूरी बात तो सुन ले उसके बाद जब उसने मसना के साथ अपने सलूक की तफसील बताई तो उसका चेहरा चमक उठा उसने मलका की आला जरफी को बहुत सराहा और कहा कि आज से मेरी नजर में तुम्हारी कदरो कीमत दो चंद बढ़ गई है फिर उसने भी अपनी तरफ से मसना को सौ अशर फ्यू के तोड़े भेजे और साथ कहलवा भेजा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा यौम मुसरत है क्योंकि उसने हमें खिदमत की तोफीक दी अब तुम इतमान से रहो इसके बाद मसना एक तवील अरसे जिंदा रही महाजरीन की बहुत तेज तमहीद करने लगता रहा इसके बाद हारून रशीद खलीफा बना और उसने मसना को माँ के बराबर समझा उसके अहद खिलाफत के दौर में उसने वफात पाई तो हारून रशीद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोया उसके जनाजे को शाहाना शान शौकत के साथ कब्रस्तान पहुंचाया खातिन अल्लाह की सिफात में से एक सिर्फ ये है यानी वो मुजरिम और सजा और अजाब के मोस्क को माफ करने वाला और उसकी नाफरमानी और गुनाहों से दरगुजर करने वाला गलती और नाफरमानी के बावजूद सख्त बर्ताव के बजाय नरमी और मोहब्बत से पेश आने वाला तमाम अम्बिया बिलखसूस खातुम नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम अल्लाह तला की सिफात का नमूना और आईनादार थे आपकी जिंदगी इस दावे की बेहतरीन रोशन दलील है आज हमारे माशरे को बदला और इंतकाम ने हर तरफ से जला रखा है हमारे हर को अकदार की दीवार चाट रही है हर तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देने की आवाजें आती हैं। हर शख्स नवाब के मुकाबले में देर नवाब बनने को तुला बैठा है गलती और लोगों से बढ़कर सजा और बदले की रविश जुल्म और जहन्नम की शक्ल में दिखाई दे रही है अफसोस कि आज हमारे दिल रहमोकरम तहमुल और अफू दरगुजर की आला औसाफ से य खाली हो रहे हैं यही वजह है, है कि हमारे ताकत का शराजा बिखर कर पारा पारा हो चुका है बाहमी नफरत और अदावत लड़ाई झगड़े और इंतकामी कार्रवाई ने हमारी हैबत और शान और शौकत और दबदबे को सल्ब कर लिया है और आपस के इंतजार की वजह से हमारी हवा उखड़ गई है आइये आजम करें महज इरादा नहीं बल्कि फैसला करें कि हम सब ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम को पसंद हो माशरे को खुशगवार और मोहब्बत अफशा और पुरन बनाने के लिए बकाए बाहमी पर अमल करेंगे और अपने अंदर दीगर आला साफ की तरह अफो दरगुजर की सिफ भी पैदा करेंगे आइए आइंदा इस उम्मीद और पुख्ता यकीन के साथ लोगों की गलतियां और जराइम को माफ करेंगे कि कयामत के दिन रब करीम का मामला करते हुए हमारी गलतियां और हमारे जराय माफ कर देगा अल्लाह ताला हमें हमारे सकीरा और गुनाहों से आमीन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पेशतर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट बर वक्त आप तक पहुंच सके